हिंदुस्तान के लोगों का भगवान व धर्म से भावनात्मक भाव बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, जो कि वाजिब भी है। इसी बात का कई नेता फायदा उठा लेते हैं और दो पक्षों में लड़ाई करा देते हैं। लेकिन नेता तो नेता, अब अभिनेता व निर्देशक भी पैसे कमाने के लिए भगवान की छवि को ही बिगाड़ रहे हैं और इससे भारत के हिंदुओं के मन में एक अलग ही आग लग चुकी है। माँ काली, जिनको भारत में पूजा जाता है और हिंदू इनको अपनी माँ मानते हैं, उन्हीं माँ काली की छवि के साथ छेड़छाड़ कर ऐसी अभद्र छवि सोशल मीडिया व हिंदुओं के व्हाट्सएप पर वायरल हो रही है, जिससे एक और धरना प्रदर्शन का आगाज लगाया जा सकता है। दरअसल कनाडा में रह रही एक भारतीय फिल्म निर्देशक लीना ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसके पोस्टर में माँ काली की तस्वीर लगाई है, लेकिन इस तस्वीर में माँ काली धूम्रपान का सेवन करते हुए दिखाई दे रही है और पीछे LGBTQ का झंडा लहरा रहा है। ये पोस्टर जब लीना ने कनाडा में बैठ के अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया तो भारत के हिंदू व कई हिंदू धार्मिक संगठनों में हंगामा मच गया, क्योंकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत में धार्मिक मान्यताएं बहुत ज्यादा है। कनाडा में जब ये पोस्टर प्रदर्शित किया गया तब कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने इस मामले पर आपत्ति जताई और कंटेंट को हटाने की मांग की। हालांकि बाद में कनाडा के जिस म्यूजियम में इसे दिखाया गया था उसने हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने पर खेद प्रकट किया और माफी भी मांगी। सोचिए, जब कनाडा में रह रहे हिंदुओं ने ऐसा बवाल कर दिया तो हिंदुस्तान में क्या हो रहा होगा। ट्विटर ने भी लीना के इस पोस्टर के पोस्ट करने के बाद उनका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया है। वहीं लीना पर दिल्ली यूपी सहित कई जगहों से FIR दर्ज हुई है। यूपी पुलिस ने सूबे में हिंदू देवताओं के अपमानजनक चित्रण के लिए फिल्म निर्माता लीना के खिलाफ आपराधिक साजिश, पूजा स्थल पर अपराध, जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से शांति भंग करने के आरोप में केस किया है। हालांकि भारत में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हिंदी सिनेमा ने कई बार हिंदू देवी देवताओं की छवि को सिनेमा में कुछ ऐसी तरह दर्शाया है कि हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। नेताओं के धार्मिक चीजों पर कई बार किए गए अभद्र टिप्पणी ने देश में भूचाल ला दिया है और माँ काली पर हुए ये विवाद किस मोड़ पर जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन किसी भी धर्म को कैसे भी प्रतिक्रिया से ठेस पहुंचाना उस देश में एक नया विवाद पैदा कर सकता है। इसीलिए सभी धर्मों व भगवानों की छवि के साथ छेड़छाड़ करना इंसानियत की नजरिए से ठीक नहीं है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।